भगवान श्री गजानन गणेश के सभी भक्तों को कैलाश पंडित का नमस्कार। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। भक्तों, श्री गणेश पुराण के प्रथम खंड के दूसरे अध्याय को आरंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे सोनक जी, बड़े देवताओं में भी ऐसा कोई नहीं है जिसके सिद्धि में विघ्न उपस्थित होने पर उसने विघ्न राज का आश्रय ना लिया हो, गणपति का आशीर्वाद ना लिया हो। हे शौनक, वे देव भी बड़े दयालु हैं। नाम तो शिव जी का ही आशुतोष है, किंतु वे सर्वात्मा और सर्वरक्षक प्रभु तो शिव जी की अपेक्षा भी शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं। उनका भक्त कभी किसी संकट में नहीं पड़ता। यदि प्रारब्धवश कभी किसी विपत्ति में पड़ भी जाता है तो गणेश्वर की उपासना करने पर उनके अनुग्रह से उसके समस्त दुख दूर होकर परम सुख की प्राप्ति होती है। शौनक ने कहा, हे सूत जी, हे महाभाग, हे प्रभु, मैं गणेश जी के विभिन्न चरित्रों का अध्ययन करना चाहता हूं, तो मुझे बताइए कि किस ग्रंथ का अवलोकन करूं। हे दयामय, आपको तो उनके समस्त चरित्र विदित हैं ही, यदि आप ही उन्हें सुनाने की कृपा करें तो मेरा अत्यधिक उपकार होगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान गणेश्वर के इतने चरित्र हैं कि उन सबका कथन इस जिह्वा से संभव नहीं, क्योंकि प्रभु अनंत, प्रभु चरित अनंता वाली बात समस्त विद्वान मुनि ऋषि कहते हैं। फिर भी गणेश जी अग्र पूजा के अधिकारी होने के कारण समस्त देव चरित्रों में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी सर्वाधिक व्यापक है। हे मुने, हे शौनक, हे भगवान सर्व समर्थ हैं, वे सभी का तिरस्कार करने में समर्थ हैं, किंतु उनका तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता। यह त्रैलोक के उन्हीं भगवान के संकेत पर नृत्य करता है, इसकी समस्त क्रियाएं उन्हीं की इच्छा पर आश्रित हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उन सब देवताओं के चरित्र भी उन्हीं गणराज के चरित्र हैं। यद्यपि सब चरित्र एक ही ग्रंथ में लिखने संभव नहीं है, फिर भी गणेश्वर के अनेकों प्रमुख चरित्रों का वर्णन गणेश पुराण में हुआ है। सोनक जी ने पूछा, हे प्रभु, गणेश पुराण का आरंभ किस प्रकार हुआ, यह मुझे बताने की कृपा करें। इस पर सूत जी कहने लगे, हे शौनक, यद्यपि गणेश पुराण है तो बहुत प्राचीन, क्योंकि भगवान गणेश्वर तो आदि है, न जाने कब से गणेश जी अपने उपासकों पर कृपा करते चले आ रहे हैं। उनके अनंत चरित्र हैं जिनका संग्रह एक महापुराण का रूप ले सकता है। उसे एक बार भगवान नारायण ने नारद जी और महर्षि भृगु को और भगवान शंकर ने जगत जननी पार्वती जी को सुनाया था। महर्षि भृगु ने कृपा करके सौराष्ट्र के एक राजा सोमकांत को सुनाया था। तब से यह पुराण अनेक कथाओं से विस्तृत होता और अनेक कथाओं से रचित होता हुआ अनेक रूपों में प्रचलित है। सोनक जी ने पूछा, भगवान आप यह बताने का कष्ट करें कि राजा सोमकांत कौन था, उसने महर्षि से गणेश पुराण का श्रवण कहां किया था, उस पुराण के श्रवण से उसे क्या क्या उपलब्धियां हुई। हे नाथ, मुझे श्री गणेश्वर जी की कथा के प्रति उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। सूत जी बोले, हे शौनक, सौराष्ट्र के देवनगर नाम की एक प्रसिद्ध राजधानी थी, वहां का राजा सोमकांत था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान करता था। वह वेद ज्ञान संपन्न, शस्त्र विद्या में पारंगत एवं प्रबल प्रतापी राजा समस्त राजाओं में मान्य तथा अत्यंत वैभवशाली था। उसका ऐश्वर्य कुबेर के भी ऐश्वर्य को लज्जित करता था। उसने अपने पराक्रम से अनेकों राजाओं को जीत लिया था, अनेकों देशों को जीत लिया था। उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती, गुणवती, धर्मज्ञा एवं पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। वह सदैव अपने प्राणनाथ की सेवा में लगी रहती थी। उसका नाम सुधर्मा था। जैसे वह प्रतिव्रता थी, वैसे ही राजा भी एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला था। उसका हेमकांत नाम का एक सुंदर पुत्र था। वह भी सभी विधाओं का ज्ञाता और अस्त्र शस्त्रादि के अभ्यास में निपुण हो गया था। यह सभी श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न, सद्गुणी एवं प्रजाजनों के हितों का अत्यंत पोषक था। इस प्रकार राजा सोमकांत स्त्री, पुत्र, पशु, वाहन, राज्य एवं प्रतिष्ठा आदि से सब प्रकार से सुखी था। उसे दुख तो कोई था ही नहीं। रिपीट, उसे दुख तो कोई था ही नहीं। सभी राजगण उसका हार्दिक सम्मान करते थे तथा उसकी श्रेष्ठ कीर्ति भी संसार व्यापी थी। परंतु युवावस्था के अंत में सोमकांत को घृणित कुष्ठ रोग हो गया।
उसके अनेक उपचार किए गए किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। रोग शीघ्रता से बढ़ने लगा और उसके अंदर कीड़े पड़ गए। जब रोग की अधिक वृद्धि होने लगी और उसका कोई उपाय न हो सका तो राजा ने अमात्यों को बुलाकर कहा, सुब्रतो, जाने किस कारण यह रोग मुझे पीड़ित कर रहा है। अवश्य यह किसी पूर्व जन्म के पाप का फल होगा, इसलिए मैं अब अपना समस्त राजपाट छोड़कर वन में रहूंगा। मेरे पुत्र हेमकंठ को मेरे समान मानकर राज्य शासन का धर्म पूर्वक संचालन कराते रहे। यह कहकर राजा ने शुभ दिन दिखवाकर अपने पुत्र हेमकंठ को राजपथ पर अभिषिक्त किया और अपनी पत्नी सुधर्मा के साथ निर्जन वन की ओर चल दिया। प्रजापालक राजा के वियोग में समस्त प्रजाजन अश्रु बहाते हुए उसके साथ चले। राज्य की सीमा पर पहुंचकर राजा ने अपने पुत्र, अमात्यगण और प्रजाजनों को समझाया, आप सब लोग धर्म के जानने वाले, श्रेष्ठ आचरण में तत्पर एवं सहृदय हैं। यह संसार तो वैसे ही परिवर्तनशील है, जो आज है वह कल नहीं था और आने वाले कल भी नहीं होगा। इसलिए मेरे जाने से दुख का कोई कारण नहीं है। मेरे स्थान पर मेरा पुत्र सभी कार्यों को करेगा, इसलिए आप सब उसके अनुशासन में रहते हुए उसे सदैव सम्मति देते रहें। फिर पुत्र से कहा, बेटा, यह स्थिति सभी के समक्ष आती रही है। हमारे पूर्व पुरुष भी परंपरागत रूप से वृद्धावस्था आने पर वन में जाते रहे हैं। मैं कुछ समय पहले ही वन में जा रहा हूं, तो कुछ पहले या पीछे जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता बेटा। यदि कुछ वर्ष बाद जाऊं तब भी मोह का त्याग तो करना ही होगा। इसलिए हे वत्स, तुम दुखित मत हो और मेरी आज्ञा मानकर राज्य शासन को ठीक प्रकार चलाओ। ध्यान रखना क्षत्रिय धर्म का कभी त्याग न करना और प्रजा को सदा सुखी रखना। इस प्रकार राजा सोमकांत ने सभी को समझा बुझाकर वहां से वापस लौटाया और स्वयं अपनी पतिव्रता भारिया के साथ वन में प्रवेश किया। पुत्र हेमकंठ के आग्रह से उसने सुबल और ज्ञानगम्य नामक दो अमात्यों को भी साथ में ले लिया। उन सब ने एक समतल व सुंदर स्थान देखकर वहां आश्रम तैयार किया। तभी उन्हें एक मुनि कुमार दिखाई दिया। राजा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो, कहां रहते हो, यदि उचित समझो तो मुझे बताओ। मुनि बालक ने कोमल वाणी से कहा, मैं महर्षि भृगु का पुत्र हूं, मेरा नाम चवन है, हमारा आश्रम निकट में ही है, अब आप भी अपना परिचय दीजिए। राजा ने कहा, मुनि कुमार, आपका परिचय पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं सौराष्ट्र के देवनगर नामक राज्य का अधिपति रहा हूं। अब अपने पुत्र को राज्य देकर मैंने आरण्य में शरण ली है। मुझे कुष्ठ रोग अत्यंत पीड़ित किए हुए है, इसकी निवृत्ति का कोई उपाय करने वाला हो तो कृपा कर मुझे बताइए। मुनि कुमार ने कहा, मैं अपने पिताश्री से अपना वृतांत कहूंगा, फिर वे जैसा कहेंगे आपको बताऊंगा। यह कहकर मुनि बालक चला गया और कुछ देर में ही आकर बोला, राजन, मैंने आपका वृतांत अपने पिताश्री को बताया, उनकी आज्ञा हुई है कि आप सब मेरे साथ आश्रम में चलकर उनसे भेंट करें, तभी आपके रोग के विषय में भी विचार किया जाएगा। राजा अपनी पत्नी और अमात्यों सहित चवन के साथ भृगु आश्रम में पहुंचा, उन्हें प्रणाम कर बोला, हे भगवान, हे महर्षि, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझ कुष्ठि पर कृपा कीजिए। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, यह तुम्हारे किसी पूर्व जन्म का कृत्य पाप का ही उदय हो गया है, उसका उपाय मैं विचार करके बताऊंगा। आज तो तुम सब स्नान आदि से निवृत्त होकर रात्रि विश्राम करो। महर्षि के आज्ञा अनुसार सबने स्नान भोजन आदि किया, उपरांत रात्रि व्यतीत की और प्रातः स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर महर्षि की सेवा में उपस्थित हुए। महर्षि ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत जान लिया है और यह भी विदित कर दिया है कि किस पाप के फल से तुम्हें यह घृणित रोग भी प्राप्त हुआ है। यदि तुम चाहो तो तुम्हें सुना दूं। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बड़ी कृपा होगी मुनिनाथ, मैं उसे सुनने के लिए उत्कंठित हूं। महर्षि ने कहा, तुम पूर्व जन्म में एक धनवान वैश्य के लाडले पुत्र थे। वह वैश्य विंध्याचल के निकट कोलहार नामक ग्राम में निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। तुम उसी वैश्य दंपत्ति के पुत्र हुए। तुम्हारा नाम कामत था। तुम्हारा लालन पालन बड़े लाड चाव से हुआ। उन्होंने तुम्हारा विवाह एक अत्यंत सुंदरी वैश्य कन्या से कर दिया था, जिसका नाम कुटुंबिनी था। यद्यपि तुम्हारी भारिया सुशीला थी और तुम्हें सदैव धर्म में निरत देखना चाहती थी,
किंतु तुम्हारा स्वभाव वासनांद होने के कारण दिन प्रतिदिन उच्छंकल होता जा रहा था। किंतु माता पिता भी धार्मिक थे, इसलिए उनके सामने तुम्हारी उच्छंकलता दबी रही। परंतु माता पिता की मृत्यु के बाद तुम निरंकुश हो गए, अपनी पत्नी की बात भी नहीं मानते थे। तुम्हें अनाचार में प्रवृत्ति देखकर उसे दुख होता था, तो भी उसका कुछ वश नहीं चलता था। तुम्हारी उन्मत्तता चरम सीमा पर थी, अपनों से भी द्वेष और क्रूरता का व्यवहार किया करते थे। हत्या आदि करा देना तुम्हारे लिए सामान्य बात हो गई। पीड़ित व्यक्तियों ने तुम्हारे विरुद्ध राजा से पुकार की, अभियोग चला और तुम्हें राज्य की सीमा से भी बाहर चले जाने का आदेश हुआ। अब तुम घर छोड़कर किसी निर्जन वन में रहने लगे। उस समय तुम्हारा कार्य लोगों को लूटना और हत्या करना ही रह गया। एक दिन मध्याह्न काल था, गुणवर्धन नामक एक विद्वान ब्राह्मण उधर से निकला। बेचारा अपनी पत्नी को लिवाने के लिए ससुराल जा रहा था। तुमने उस ब्राह्मण युवक को पकड़कर लूट लिया। प्रतिरोध करने पर उसे मारने लगे तो वह चीत्कार करने लगा, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। देख, मेरा दूसरा विवाह हुआ है, मैं पत्नी को लेने के लिए जा रहा हूं। किंतु तुम तो क्रोधावेश में ऐसे लीन हो गए थे कि तुमने उसकी बात सुनकर भी नहीं सुनी। जब उसे मारने लगे तो उसने श्राप दे दिया, अरे हत्यारे, मेरी हत्या के पाप से तू सहस्त्र कल्प तक घोर नरक भोगेगा। तुमने उसकी कोई चिंता नहीं की और सिर काट लिया। राजन, तुमने ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक निरीह हत्याएं की थी जिनकी गणना करना भी पाप है। इस प्रकार इस जन्म में तुमने घोर पाप कर्म किए थे। किंतु बुढ़ापा आने पर जब अशक्त हो गए तो तुम्हारे साथ जो क्रूर कर्मी थे वे भी किनारा कर गए। उन्होंने सोच लिया कि अब तो इसे खिलाना ही पड़ेगा, इसलिए मरने दो यहीं। राजन, जब तुम निरालंब थे, चल फिर भी नहीं सकते थे, भूख से पीड़ित रहने के कारण रोगों ने भी घेर लिया। उधर से जो कोई निकलता तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखता चला जाता था। तब तुम आहार की खोज में बड़ी कठिनाई से चलते हुए एक जीर्ण शीर्ण देवालय में जा पहुंचे। उसमें भगवान गणेश्वर की प्रतिमा विद्यमान थी। तब न जाने किस पुण्य के उदय होने से तुम्हारे मन में गणेश जी के प्रति भक्ति भाव जागृत हुआ। तुम निराहार रहकर उनकी उपासना करने लगे। उससे तुम्हें सब सुख मिला और रोग भी कम हुआ। राजन, तुमने अपने साथियों की दृष्टि बचाकर बहुत सा धन एक स्थान पर गाड़ दिया था। अब तुमने उस धन को उसे देवालय के जीर्णोद्धार में लगाने का निश्चय किया। शिल्पी बुलाकर उस मंदिर को सुंदर और भव्य बनवा दिया। इस कारण कुख्याति सुख्याति में बदलने लगी। फिर यथा समय तुम्हारी मृत्यु हुई। यमदूतों ने पकड़कर तुम्हें यमराज के समक्ष उपस्थित किया। यमराज तुमसे बोले, हे जीव, तुमने पाप और पुण्य दोनों ही किए हैं और दोनों का ही भोग तुमने भोगना है। किंतु पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? इसके उत्तर में तुमने प्रथम अपने पुण्य कर्मों के भोग की इच्छा प्रकट की और इसलिए उन्होंने तुम्हें राजकुल में जन्म लेने के लिए भेज दिया। पूर्व जन्म में तुमने भगवान गणाध्यक्ष का सुंदर एवं भव्य मंदिर बनवाया था, इसलिए तुम्हें सुंदर देह की प्राप्ति हुई। यह कहकर महर्षि भृगु रुक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा को इस वृतांत पर शंका हो रही है। तभी महर्षि के शरीर से असंख्य विकराल पक्षी उत्पन्न होकर राजा की ओर झपटे। उनकी चोंच बड़ी तीक्ष्ण थी, जिनसे वे राजा के शरीर को नोच नोच कर खाने लगे। उसके कारण अत्यंत असहाय पीड़ा से व्याकुल हुए राजा ने महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, आपका आश्रम तो समस्त दोष द्वेष आदि से परे है और यहां मैं आपकी शरण में बैठा हूं, तब ये पक्षी मुझे अकारण ही क्यों पीड़ित कर रहे हैं? हे मुनिनाथ, इनसे मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि भृगु ने राजा के आर्तवचन सुनकर सांत्वना देते हुए कहा, हे राजन, तुमने मेरे वचनों में शंका की थी और जो मुझ सत्यवादी के कथन में शंका करता है उसे खाने के लिए मेरे शरीर से इसी प्रकार पक्षी प्रकट हो जाते हैं, जो कि मेरे हुंकार करने पर भस्म हो जाया करते हैं। यह कहकर महर्षि ने हुंकार की और तभी वे समस्त पक्षी भस्म हो गए। राज श्रद्धावतन होकर उनके समक्ष अश्रुपात करता हुआ बोला, प्रभो, अब उस पाप से मुक्त होने का उपाय कीजिए। महर्षि ने कुछ विचार कर कहा, राजन,
तुम पर भगवान गणेश्वर की कृपा सहज रूप से है और वे ही प्रभु तुम्हारे पापों को भी दूर करने में समर्थ है। इसलिए तुम उनके पाप नाशक चरित्र को श्रवण करो। गणेश पुराण में उनके प्रमुख चरित्रों का भले ही प्रकार से वर्णन किया गया है, अतएव तुम श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसी को सुनने में चित्त लगाओ। राजा ने प्रार्थना की, हे महामुनि, मैंने गणेश पुराण का नाम भी आज तक नहीं सुना, तो उनके सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकूंगा? हे नाथ, आपसे अधिक ज्ञानी और प्रकांड विद्वान और कौन हो सकता है? आप ही मुझ पर कृपा कीजिए। महर्षि ने राजा की दीनता देखकर उनके शरीर पर अपने कमंडलू का मंत्रपूत जल छिड़का। तभी राजा को एक छींक आई और नासिका से एक अत्यंत छोटा काले वर्ण का पुरुष बाहर निकल आया। देखते देखते वह बढ़ गया। उसके भयंकर रूप को देखकर राजा कुछ भयभीत हुए, किंतु समस्त आश्रमवासी वहां से भाग गए। वह पुरुष महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महर्षि भृगु ने उसकी ओर देखा और कुछ उच्च स्वर में बोले, तू कौन है, क्या चाहता है? वह बोला, मैं साक्षात पाप हूं, समस्त पापियों के शरीर में मेरा निवास है। आपके मंत्रभूत जल के स्पर्श से मुझे विवश होकर राजा के शरीर से बाहर निकलना पड़ा है। अब मुझे बड़ी भूख लगी है, बताइए मैं क्या खाऊं और कहां रहूं? महर्षि बोले, तू उस आम के अवकाश स्थान में निवास कर और उसी वृक्ष के पत्ते खाकर जीवन निर्वाह कर। यह सुनते ही वह पुरुष आम के वृक्ष के पास चला गया, किंतु उसके स्पर्श मात्र से वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। फिर जब पाप पुरुष को रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिखाई दिया तो वह भी अंतर्हित हो गया। बोले गणेश जी महाराज की जय। तो भक्तों, इस प्रकार यहां पर श्री गणेश पुराण का प्रथम खंड का द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। बोले गणेश जी महाराज की जय।